हेलो बच्चों, अब आपकी वार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली है। तो वार्षिक परीक्षा में जब संस्कृत का पेपर आता है तो बच्चे संस्कृत के पेपर से बहुत घबराते हैं कि संस्कृत में पढ़नी नहीं आती, तो अपठित गद्यांश या पद्यांश आते हैं उसमें से उत्तर देने नहीं आते। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको आज ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि आप संस्कृत में 80 में से 75 नंबर प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि संस्कृत का पेपर ऐसा होता है कि अगर अपन थोड़ी सी समझदारी से करें तो उनका उत्तर पेपर के अंदर ही निहित होता है। तो कक्षा 9th का जो संस्कृत का पेपर है वो 3 घंटे का होगा और 80 अंकों का होगा। इसमें आपके 4 खंड आएंगे। अस्मिन प्रश्न पत्रे चतुवारे खंडा सन्ति, यानी इस पेपर में 4 खंड होंगे। खंड क अपठिता बोधनम 10 अंक, यानी अपठित जो आपको गद्यांश है वो 10 अंकों का आएगा। तो इस गद्यांश को पढ़ करके आपको उसमें से उत्तर देने हैं। खंड ख रचनात्मक कार्यम, ये आपके 15 अंकों का आएगा, जिसमें वाक्य निर्माण करना, चित्र को देख करके उसके आधार पर रचना करना, या शब्द दे दिए हो उन शब्दों के द्वारा आपको वाक्य निर्माण करना, या हिंदी के कोई शब्द दे दिए उनकी संस्कृत बनाना। खंड ग अनुप्रयुक्त व्याकरणम, ये आएगी आपके 25 अंकों की। इसमें आपको संधि है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, वो सारे करने हैं। और खंड घ ये पठिताव बोधनम 30 अंक, ये आपके 30 अंक आएगा कि बुक में से आपके पंक्तियां दे दी, गद्य की दे दी, पद्य की दे दी, प्रश्नोत्तर दे दिए, शब्द रूप दे दिए, धातु रूप दे दिए, ये सारे पूछे जाएंगे। प्रत्येक खंडम अधिकृत उत्तराणी एकस्मिन स्थाने क्रमे लिखने, यानी प्रत्येक खंड में आपको जो उत्तर वो क्रम से लिखने हैं। प्रश्न संख्या प्रश्न पत्र अनुसार अवश्य में लेखने। जब आप उत्तर लिखते हो तो प्रश्न की संख्या लिखने का ध्यान रखना है कि जो प्रश्न में संख्या लिखी हुई है वही आपको कॉपी में लिखनी है। कई बार बच्चे पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं और उत्तर संख्या 4 लगा देते हैं, या चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं वहां संख्या 5 लगा देते हैं, तो इसमें नंबर कटने की संभावना रहती है। तो जिस प्रश्न का आप उत्तर लिख रहे हो, जो प्रश्न आपके पेपर में है वो क्रमांक और उत्तर का क्रमांक 1 होना चाहिए, यानी क्रम का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वेषां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृते लेखनीयानि, सारे प्रश्नों के उत्तर जो आपको संस्कृत में लिखने हैं। प्रश्नानां निर्देशा ध्यानेन पठनीया, और प्रश्नों के जो निर्देश है वो आपको ध्यान से पढ़ने हैं, यानी प्रश्न में क्या पूछा है, आपको क्या करना है, इस बात को आपको ध्यान से पढ़ना है। अब अपना खंड क है वो इस तरह से आएगा, अपठितांश अवबोधनम 10 अंक, अपठित जो गद्यांश है वो 10 नंबर का है। तो इसमें एक अपठित गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ करके मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप किस तरह से परीक्षा में इनके उत्तर करोगे। अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखित, नीचे लिखे गए अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखना है। संपूर्ण विश्व भारतीय संस्कृति अद्वितीय वर्तते, संपूर्ण विश्व यानी सारे संसार में भारत की जो संस्कृति है वो अद्वितीय, अद्भुत है, अनोखी है। अन्येषां देशानां संस्कृते उत्पद्यन्ते काल गर्भे च विलीयन्ते, अन्येषां यानी दूसरे देशों में संस्कृति उत्पद्यन्ते यानी उत्पन्न होती है, काल गर्भे च विलीयन्ते और काल के गर्भ में चली जाती है। परम अस्माकं संस्कृति अध्यादि मूल रूपे विराजते, लेकिन हमारी जो संस्कृति है वो आज तक मूल रूप से विराजमान है। भारतीय संस्कृति विश्व से सर्वावे संस्कृति भी प्राचीनतमा, भारतीय जो संस्कृति है वो विश्व की सब संस्कृतियों में से प्राचीन है, यानी पुरानी है सबसे। वर्णाश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ चतुष्टयम, षोडश संस्कार, कर्मवाद है, पुनर्जन्मवाद है, सदाचार पालनम, त्याग है, चेता, भारतीय संस्कृति प्रमुखा विशेषता संति, यानी वर्णाश्रम व्यवस्था जैसे अपन 4 आश्रम होते हैं, वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वृद्धाश्रम, संन्यास आश्रम, 4 पुरुष होते हैं, 16 संस्कार होते हैं, कर्मवाद है, पुनर्जन्मवाद है, सदाचार का पालन है, त्याग है, ये सारी है जो भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं। भारतीय संस्कृति देव सा संस्कृति या संपूर्ण अपि विश्व भ्रातृत्व भावना उद्घोषयति, भारतीय संस्कृति है ये संपूर्ण विश्व में भाईचारे की भावना
को बढ़ावा देती है या उसको बताती है। अत एव उच्यते, अतः कहा गया है वसुदेव कुटुम्बकम्, पूरी पृथ्वी ही परिवार है। विविधम भारतीय संस्कृति महती विशेषता अस्ति, विविधता भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता है। विविधेषु क्षेत्रेषु भाषाया भोजनस्य वेशभाषाया परम्परायश्च विभिन्ने दृश्यते, तथापि वयम् सर्वे मिलित्वा भारत देशस्य संततये समय। यानी विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे भाषा में, भोजन में, वेशभूषा यानी पहनावे में, परंपरा में विविधता दिखाई देती है, फिर भी हम सब मिलकर के भारतीय एक हैं। एतदेव अस्ति अनेकतायाम् एकता इति, इसीलिए भारतीय संस्कृति की विशेषता है अनेकता में एकता। अतएव अस्माकं संस्कृति गौरवशालिनी वर्तते, अतः हमारी संस्कृति अब गौरवशाली है। वयम सर्वे संस्कृतो गर्वम अनुभवाम, हम सबको हमारी संस्कृति पर बहुत ही गर्व है, हम सब अपनी संस्कृति पर गर्व अनुभव करते हैं। अस्माकं संस्कृति रेव देशस्य महात्म्य स्थापयति, हमारी जो संस्कृति है ये देश की महानता को स्थापित करती है। तो देखो बच्चों, मैंने आपको इस पैराग्राफ का अर्थ बताया। अब इसी पैराग्राफ में से नीचे प्रश्न पूछे गए हैं और इस पैराग्राफ में से ढूंढ करके आपको उत्तर लिखने हैं। पहले दे रखा है ए, एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर लिखना है। केवलम प्रश्न द्वयम, केवल दो प्रश्न करने हैं आपके। इसमें ए खंड में एक दो तीन प्रश्न दे रखे हैं, लेकिन आपको दो के उत्तर देने हैं। अगर आपको तीनों के उत्तर आ रहे हैं और आप तीनों के दे देते हो तो कोई बात नहीं, आप तीनों के उत्तर भी लिख सकते हो। पहला क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति की दृश्य वर्तते, भारतीय संस्कृति कैसी है। तो अभी मैंने आपको पैराग्राफ का अर्थ बताया, तो इसमें ऊपर लिखा हुआ था कि भारतीय संस्कृति वो अद्वितीय है। तो कीदृशी यानी कैसी है, तो इसके स्थान पर आप लिख देंगे अद्वितीय। और एक शब्द में उत्तर देना है तो आप सिर्फ अद्वितीय ही लिख देना। भारतीय संस्कृति विश्व काम भावना उद्दोषयति, भारतीय संस्कृति विश्व में कैसी भावना की घोषणा करती है। तो पैराग्राफ में मैंने आपको अभी बताया था भ्रातृत्व भावना उद्घोषित, यानी भ्रातृत्व भावना के बारे में बताया गया, तो आप इसकी जगह भ्रातृत्व भावना लिख देना। का संस्कृति सर्वासु संस्कृतिसु श्रेष्ठतमा वर्तते, कौन सी संस्कृति है जो सब में सर्वश्रेष्ठ है यानी महान है। तो अभी मैंने पैराग्राफ में आपको बताया था कि भारतीय संस्कृति, तो आपको एक पद में उत्तर देना है भारतीय। फिर दे रखा है पूर्ण वाक्य उत्तरत, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, क्योंकि ए खंड में तो सिर्फ एक शब्द में एक पद में उत्तर देना था, लेकिन इसमें आपको पूरा वाक्य लिख करके उत्तर देना है। केवलम प्रश्न द्वयम, इसमें भी आपको केवल दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं, प्रश्न पूछे हुए तीन है लेकिन आपको उत्तर दो के देने हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है विश्व से सर्वाभे संस्कृति भी प्राचीनतमा संस्कृति का, विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति कौन सी है। तो विश्व की जो प्राचीन संस्कृति है वो भारतीय है, तो इसका उत्तर अपन यूं लिखेंगे विश्व से सर्वाभे संस्कृति भी प्राचीनतमा संस्कृति भारतीय। आप ऐसे भी उत्तर लिख सकते हो, और ऐसे नहीं तो पैराग्राफ में जो पंक्ति लिखी हुई है वो आप इस पंक्ति को ज्यों का त्यों भी लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है वयम कश्याम गर्वम अनुभवाम, हम सब कैसा गर्व अनुभव करते हैं। तो इसकी जगह है कश्याम है ये प्रश्न है, तो इसकी जगह आपको उत्तर लिखना है वयम संस्कृतो गर्वम अनुभाव है, हमको अपनी संस्कृति पे गर्व है। अगला क्वेश्चन भारतीय संस्कृति प्रमुखा विशेषता का संति, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। तो भारतीय संस्कृति की विशेषताएं आपको मैंने अभी बताई थी पैराग्राफ में पढ़ करके कि वर्णाश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ चतुष्टय में सोर संस्कार है, कर्मवाद है, पुनर्जन्मवाद है, सदाचार पालनम, त्याग है, चेत है, भारतीय संस्कृति प्रमुख विशेषता संति। आप इस पूरी लाइन को भी
लिख सकती हो। और अगर आप इस पुरी को नहीं लिखो तो वसुदेव कुटुम्बकम लिख सकते हो, वैविध्यम भारतीय संस्कृति परम विशेषता ये भी लिख सकते हो। वैविध्यम भारतीय संस्कृति यानी विविधता में भारतीय संस्कृति है, ये भी आप इसका उत्तर लिख सकते हो। फिर इसका दे रखा है सेकंड, असे अनुच्छेद से करते उपयुक्त शीर्षकम संस्कृते लिखित, यानी इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक आपको लिखना है। तो शीर्षक लिखने में कई बार बच्चों के परेशानी होती है कि कौन सा शीर्षक लिखे, तो शीर्षक लिखते समय आपको ये ध्यान में देना है कि ज्यादातर किसके बारे में बात की जा रही है। तो इस पैराग्राफ में भारतीय संस्कृति के बारे में कही जा रही है, तो भारतीय संस्कृति आप इसका शीर्षक दे सकते हो, या वसुदेव कुटुम्बकम ये भी आप इसका शीर्षक दे सकते हो, विविधता में एकता ये भी आप दे सकते हो, तब भी आपके नंबर है वो पूरे मिलेंगे। फिर आपका दय, यथा निर्देशम उत्तरत केवल प्रश्न त्रयम, निर्देश के अनुसार आपको केवल तीन उत्तर देने हैं। ये भी चार है लेकिन आपको उत्तर तीन के ही बताने हैं। पहला है युष्माकम इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम अनुच्छेदात चित्वा लिखित, युष्माकम इसका विपरीत अर्थ आपको अनुच्छेद में से छांट करके लिखना है। विपरीत यानी विलोम शब्द, क में है सर्वाभ्य, ख में है अस्माकम, ग में है श्रेष्ठमा और घ में है अद्वितीय। तो सर्वाभ्य शब्द का, श्रेष्ठमा सबसे अच्छा, अद्वितीय अनु का, अस्माकम का अर्थ होता है हमारा, तो युष्माकम का विलोम शब्द हो जाएगा अस्माकम, युष्माकम तुम्हारा, अस्माकम हमारा। अगला क्वेश्चन, एतदेव अस्ति अनेकतायाम एकता अस्मिन् वाक्ये किम अव्यय पदम प्रयुक्तम, यानी इसमें अनेकता में एकता तो अव्यय पद कौन सा है। अब आपकी ये समस्या आ जाती है कि भी अव्यय क्या होता है। अव्यय वो होता है बच्चों जिसको लिंग वचन कारक काल के कारण कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे एव अत्तर तत्तर इत स्थित, ये शब्द है ये पुलिंग के साथ, स्त्रीलिंग के साथ, नपुंसकलिंग के साथ लगो, इनके रूप में कोई चेंज नहीं आता, इसलिए यहाँ अवयव हो गया एव। अगला है संसार से इत्यर्थ है किम पदम अनुच्छेदे प्रयुक्तम, संसार का इस अर्थ में इस पद में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। क में है भारत देश से, ख में है अन्येषां, ग में है भोजन से और घ में है विश्व से। भारत देश से यानी भारत देश का, अन्येषां दूसरों का, भोजन से यानी भोजन का, विश्व से माना संसार का, तो संसार से का अर्थ होता है विश्व से, तो आप विश्व से यानी संसार का और संसार से संसार का, इसका ये पर्यायवाची शब्द आपको पूछा है जो घ उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति अत्र विशेषण पदम किम, भारतीय संस्कृति इसका विशेषण पद पूछा है, तो विशेषण पद क्या होता है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको विशेषण पद कहते हैं। तो इसमें देखो क में लिखा हुआ अस्माकम, ख में लिखा हुआ भारतीय, ग में लिखा हुआ संस्कृति और घ में लिखा हुआ प्राचीनतमा, तो अस्माकम और प्राचीनतमा इन दो को कट कर दो, क्योंकि अपने तो भारतीय और संस्कृति, ख और ग ये दो ही शब्द है, इनमें से बताना है, तो इसमें भारतीय है ये तो अपना विशेषण है और संस्कृति है ये विशेष पद है, तो इसका अपना उत्तर हो जाएगा भारतीय। धन्यवाद।